देवोत्थान एकादशी पर संपन्न हुआ भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह। सुहागनगर सेक्टर नंबर 2 में बारातियों संग बारात लेकर आए प्रमोद शर्मा। लड़की पक्ष से योगेंद्र तोमर के परिवार ने निभाए बेटी की शादी को सारी रस्में। फिरोजाबाद आज देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर सुहागनगर सेक्टर नंबर 2 में शालिग्राम व तुलसी जी का विवाह महोत्सव विधि विधान से संपन्न किया गया, जिसमें गाजे बाजे के साथ शालिग्राम भगवान की बारात तुलसी जी के दरवाजे पर आई और आगे के विवाह रीति रिवाज संपन्न हुए। बताया गया आज देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर सुहागनगर सेक्टर नंबर 2 में योगेंद्र तोमर के यहां उनकी बेटी के रूप में तुलसी जी का विवाह संपन्न कराने को सुहागनगर निवासी प्रमोद शर्मा भगवान शालिग्राम जी की बारात लेकर आए। इस दौरान बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। वहीं जो भी कार्यक्रम लड़के लड़की के विवाह में होते हैं उन सभी को संपन्न कराया जाता रहा। वही खास बात यह रही, भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह को लेकर दोनों ही पक्षों में गजब का उत्साह नजर आया। इस तरह से देवोत्थान एकादशी पर यह विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरला तोमर, किस तरह से आज मैंने आप कार्तिक महीना का पूरा स्नान किया है, इससे आप अपनी तुलसा बेटी की शादी कर रहे हैं, उसकी पूजा भी की है, विवाह का पूरा कार्यक्रम रखा है। सभी साथ और अंजु शर्मा अपने बेट शालिग्राम लेके आए हैं शादी विवाह करने के लिए। योगेंद्र पाल सिंह तोमर, किस तरह से कार्यक्रम किया गया है? आज शालिग्राम और तुलसी का विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। इसी निमित्त आज देव दशमी भी, वो एकादशी भी है, तो आज हम देव जग रहे हैं, तो इस निमित्त हम आज तुलसी और शालिग्राम की शादी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ तुलसी है और हमारे यहाँ हमारे एक मित्र हैं प्रमोद शर्मा, वो अपने शालिग्राम को लेके हमारे दरवाजे बारात लेकर के आए। तो अभी बारात का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, चल रहा है, लगन और फलदान वगैरह हो चुका है, दरवाजे की तैयारी है, सबको नाश्ता वगैरह करा के हम फ्री होते हैं और फिर उसके बाद भामर वगैरह, जिस तरह कार्यक्रम विवाह शादी में कार्यक्रम संपन्न होता है उसी के निमित्त पूरा ही कार्यक्रम होगा। जिस तरह से बेटा बेटी की शादी होती है उसी प्रकार शालिग्राम और तुलसी की विवाह हम धूमधाम के साथ बैंड बाजों के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम लगभग 4 बजे तक संपन्न हो जाएगा। उसके बाद विदाई समारोह होगा, तो तुलसी का विदाई समारोह यहाँ से होगा, तो हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, बारात भी दरवाजे पर आ चुकी है।